बाद थोड़ी छन छन के रोशनी आएगी। फायदा होता है जब हमें कोई चीज आती है कि अगर अचानक से भी मन करता है ना तो फटाफट कर लो। वाह मजा आ गया। बहुत सारे बन गए हैं और अगर कोई फेस्टिवल आए तो बात होती है कि हम डेकोरेशन कैसे करें। थोड़ा सा डेकोरेशन अगर हम होली पे बात करें तो होता है बहुत ही वाइब्रेंट कलरफुल जो कि रिप्रेजेंट करे कि होली है। तो आज तो मैं शुरू कर रही हूँ कि कुछ डेकोरेशन होली का करूं। तो मेरे पास कुछ कर्टेन्स हैं जो कि बहुत ही थोड़े से ट्रांसपेरेंट हैं या उनमें से बहुत धूप आती है तो उनको मैं सही करूंगी और बनाऊंगी एक नए कर्टेन जो कि वाइब्रेंट होंगे और होली को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही सुंदर कर्टेन है जो कि 9 फिट है जिसकी की लेंथ करीब आप 3 मीटर समझ लीजिए और बहुत ही सुंदर कर्टेन है। लेकिन ये कर्टेन ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा हल्का है। जैसे समर्स में कॉटन के कर्टेन्स बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन है क्या, जो मेरे जहां मुझे इसे लगाना है वहां जो विंडो है उससे बहुत ज्यादा धूप आती है मॉर्निंग में स्पेशली। तो मुझे या तो फिर डबल रॉड लगवाऊं कि अगर धूप आए तो वो जब ज्यादा हो तो मैं आगे दूसरे वाले कर्टेन कर दूं, अदरवाइज हल्की रोशनी के लिए मैं इन कर्टेन्स को रखूं। तो मैंने सोचा इसी को हैंग करूंगी, धूप आती है कोई बात नहीं, डबल रॉड नहीं है कोई बात नहीं। जो आप जैसे कोई ड्रेस बनवाते हो उसमें जो लाइनिंग लगती है ना वो 2 तरह की होती है। एक तो बिल्कुल बिल्कुल कॉटन बिल्कुल पतली वाली लाइनिंग होती है जो नॉर्मली ब्लाउज वगैरह में लगती है और एक ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग होती है। मैं यही लाइनिंग लेकर आई हूँ। कर्टेन्स में जो लाइट लाइनिंग है अच्छी लगती है। और एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा जो कर्टेन है ये व्हाइट कलर का है तो इसके पीछे मैं व्हाइट ही लाइनिंग लगाऊं, ऐसा नहीं होता है। आप जब कभी भी लाइनिंग खरीदो तो आप चेक करके एक बार फैब्रिक के नीचे रख के देखो, कई बार जो अपोजिट कलर होते हैं बिल्कुल कंट्रास्ट कलर होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं लाइनिंग में। अब मैं लाइनिंग कैसे कट करूंगी कैसे लगाऊंगी वो आपको बताती हूँ। जब कभी भी कर्टेन में लगाएं लाइनिंग तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो उसकी लेंथ हो वो केवल वहां तक हो जहां पे नीचे कर्टेन फोल्ड होता है, बस उससे ऊपर ही रहनी चाहिए और वो नीचे की तरफ से हमें बिल्कुल भी नहीं जोड़नी है। दोनों कर्टेन के लिए कट कर लिया है क्योंकि दो है ना वो कर्टेन, मैंने बताया थी वो 2 कर्टेन है। घर में ना मशीन जरूर होनी चाहिए एक, बगैर उसके जो है काम नहीं चलता। जो बेसिक सिलाई मशीन होती है ये हमेशा बहुत अच्छी होती हैं और जल्दी से खराब भी नहीं होती हैं और आप इनका पूरा पैसा वसूल टाइप यूज कर लेते हो। और एक जो बिल्कुल छोटी वाली मशीन्स आजकल आती हैं वो मुझे बहुत सही नहीं लगी, इतनी ज्यादा ड्यूरेबल वो नहीं होती हैं तो उनको मत लेना आप, वो सिर्फ एक वेस्टेज है पैसे की। कर्टेन के पीछे की तरफ से मैं सबसे पहले इसमें स्टिच करूंगी ऊपर की तरफ। ऊपर से ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से एक साइड में पूरे मैं नीचे तक करूंगी क्योंकि ये मेरे जो कर्टेन है वो डोर कर्टेन के टाइप के हैं और इसी बिल्कुल इसी मेथड से मैं दूसरे साइड में बिल्कुल नीचे तक स्टिच कर लूंगी। मैं ना जब कोई चीज बनाती हूँ तो इसी तरह से बार बार ना मैं बिछा के देखती रहती हूँ कि कहीं कोई झोल तो नहीं आ रहा है। थर्ड साइड भी सिलाई कर लेती हूँ, है ना कितना बिल्कुल समर वाला कलर है, देखो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गर्मियां आ गई हैं, देखो। तो होली का डेकोर जो होता है ना बेसिकली वो समर्स के हिसाब से होता है, तो दिवाली पे जब डेकोरेशन करते हैं तो वो विंटर्स के हिसाब से हो जाता है खासकर कर्टेन्स का। और ये दूसरे वाले कर्टेन में भी लग गया नीचे अस्तर लाइनिंग, तो मेरे दोनों कर्टेन हो गए हैं रेडी। इन पे प्रेस करनी पड़ेगी तो बिल्कुल फिट हो जाएगी, इस पे लाइनिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। ये है एक चिकन का मोटा फैब्रिक जो कि मैं इसके साथ कंट्रास्ट में बनाऊंगी कर्टेन। कर्टेन बनाने के लिए मैंने इसको करीब 9 फिट की हाइट से थोड़ा सा ज्यादा कट कर लिया है और बनाना बिल्कुल आसान है, नीचे की तरफ से मोड़ना है। ध्यान रखना है कि जो हाइट है वो 9 फिट ही आनी है और नीचे की तरफ अच्छे से सिलाई कर लीजिए और अगर कर्टेन के साइड में भी कपड़ा सही नहीं है तो साइड में भी आपको स्टिचिंग करनी है। और इसी तरह से मैंने ये दोनों कर्टेन्स जो हैं नीचे की तरफ से सिल लिए हैं
और जो ये लूप वाले कर्टेन्स होते हैं इन्हें बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक पड़ा है जो कि कर्टेन जिससे बन सकता है, तो आप बहुत ही आराम से आधे घंटे में ही दोनों कर्टेन जो है स्टिच कर सकते हैं। यह है पॉपलिन का फैब्रिक जिससे कि मुझे लूप बनाने के लिए फैब्रिक कट करना था, तो मैंने इसमें से लंबी लंबी पट्टियां कट कर ली हैं, करीब 7 से 8 इंच चौड़ी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इन्हें सिल लेना है डबल करके। जब हम डबल करेंगे तो इनकी चौड़ाई करीब 3-3.5 इंच रह जाएगी और इसी से हम लूप बनाएंगे। जितनी बड़े आपको लूप बनाने होते हैं उतने ही बड़े आपको इसको कट करना पड़ता है। जैसे मैंने जो लूप की जो पूरी लेंथ रखी है वो करीब ऐसी रखी है, जब आप उसे फोल्ड कर लेंगे तो आएंगे करीब 4 इंच। तो इस तरह से मैंने ये सारे जितने भी थे लूप बनाने के लिए इसको मैं कट कर लूंगी। पर्दे का उल्टा तरफ है और जो भी हमने निशान इसमें लगाए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे पीछे की तरफ, जो इसका सीधा साइड है। ऐसे इस फैब्रिक को मैंने मोड़ा और एक ये लूप मोड़ लिया और ऐसे करके मैंने यहां पे इसको रखा और एक में लगा दूंगी यहां पे पिन। ये आ गया, पहला आ गया। अब फिर हम इसको मोड़ते हुए चलेंगे, इतना ही जितना फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया उतना ही मोड़ रही हूँ, ज्यादा नहीं मोड़ना, थोड़ा ही मोड़ना है। दूसरी मार्किंग मेरी यहाँ लगी हुई है और ये देखिए उल्टा साइड था और मैं उसे मोड़ के इस तरह से कर रही हूँ। तो ये मैंने 7 लूप देखे लगा दिए इस तरीके से। अब इनको ना हमें स्टिच करना है, इस पूरे पे हम एक सिलाई मार देंगे ताकि ये उससे जुड़ जाएंगे। ये सारे सिल गए जितने भी थे, ये 7 हैं। अब हम ये पीछे की साइड थी हमने मोड़ी थी ना, ये सामने का साइड है। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक चौड़ी हम पट्टी लगा देंगे ताकि ये जो लूप नीचे दिखाई दे रहे हैं सिले हुए ही निकल जाएं। तो उसके लिए मैंने सेम फैब्रिक की पट्टी काट ली है और एक चौड़ी पट्टी, जितनी चौड़ी भी आप लगाना चाहें, एक चौड़ी पट्टी मैं ऐसे करके इसके ऊपर लगाऊंगी। देखिए ऐसे करके इस पट्टी को ना मोड़ के लगाएंगे। और फिर जब बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, पट्टी लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें छुपाना है, लेकिन जो हम इस पर सिलाई करेंगे वो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। इससे क्या होगा, एक भारीपन आ जाएगा और यहां से ऊपर से भी ना जो ये खुला हुआ सा दिखाई देता है दोनों को जब जोड़ेंगे ना यहां से, तो ये भी बिल्कुल दब जाएगा। अब इसमें पीछे लग गई पट्टी और ये रेडी हो गए लूप वाले कर्टेन। तो मेरे चारों कर्टेन का सेट रेडी हो गया है और अब मुझे इनको हैंग करना है। मेरा मन अचानक से किया था कि मैं इन कर्टेन्स को बना लूं, तो जब कोई चीज़ आपको आती है तो किसी और के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको आती हों, इससे आप अपने आप को और घर को दोनों बखूबी संभाल सकते हैं। ये हो गया, नया वाले दोनों मैंने लगा दिए हैं। अब ये ना टेस्टिंग फेज चलती है, लगा लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो देखती हूँ कैसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, फिर इसे सेट करूंगी। वाह मजा आ गया, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर, पूरा रूम खिल गया। थोड़ी सी मेहनत तो लगी लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। करण ने मुझे कॉम्बिनेशन बताया, मैं तो दोनों व्हाइट बीच में करके ना साइड में रेड कर रही थी, लेकिन करण ने कहा कि नहीं मम्मी ऐसे लगाओ, तो ये करण के अकॉर्डिंग मैंने लगाए हैं। चलो इसे हटा दो। प्रोजेक्ट हो गया पूरा और कल का प्रोजेक्ट तो इससे भी बड़ा है, क्योंकि अब आ रही है होली। तो होली की जो एक स्पेशल चीज है वो अभी बननी बाकी है, जो मैं बनाऊंगी कल।
तो इसीलिए मैंने आज जो है अपना थोड़ा सा ये वाला काम कंप्लीट किया। और वैसे देखो डेकोरेशन की जहाँ तक बात है, वो आप देखो होली पे जो करूंगी वो तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो इतना जरूरी नहीं है। होली पर तो जो जरूरी था खाने पीने का सामान बनाना, और वो मैंने खूब बना लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मैं आपका ज्यादा टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि आपको भी आज बहुत काम होगा क्योंकि होली आ रही है, खूब मस्त होके मनाना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और मेरे पास केवल इसका काम नहीं था, आज मेरे पास एक और काम था जो कि बिल्कुल पैरेलल इसके चल रहा था, और वो भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। वो एक मेरा बड़ा शौक था जो मैंने पूरा किया है, जल्दी बताऊंगी होली के बाद किसी वीडियो में। तो पहले तो होली को कंप्लीट होने देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो बाय बाय।